हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रचित और आज मैं आपको कोई ड्राइंग नहीं दिखाऊंगा, आज मैं आपको कोई टिप्स नहीं दूंगा, बल्कि आज मैं कुछ बात करूंगा आर्टिस्टों के लिए, हमारे इंडियन आर्टिस्ट के लिए, और कैसे कैसे स्कोप्स हैं जिनको अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उन सभी के बारे में भी बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हम लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया में जिनको बहुत सारे स्कोप नहीं पता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं पता है उनको, और वो सच में टैलेंटेड हैं बट वो अभी भी घर बैठे हुए। जैसे कि पेंडेमिक आजकल बहुत ज़्यादा 2 सालों से चल रहा है और इसमें हम सभी आर्टिस्ट परेशान हैं। कुछ लोग कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी वो परेशान हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है। बट सही मायने में आर्टिस्टों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्टों के लिए इतना सारा स्कोप है कि मैं क्या बताऊँ। मैं खुद पिछले 2-3 सालों से घर से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। पहले मैं जॉब करता था बट अभी मैं आराम से अपना सेटअप लगा कर अच्छे से काम कर रहा हूँ और सर्वाइवल भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। जैसे कि गाइस, हम जानते हैं कि आजकल आर्टिस्टों को हर टाइम मोटिवेशन चाहिए होता है, किसी न किसी आर्टिस्ट को देखकर मोटिवेट होते हैं, कुछ काम स्टार्ट करते हैं बट वो बंद करते हैं, बाद में किसी को देखते हैं फिर वो लगता है कि यार ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, वो आपको जगाने की ज़रूरत है। तो आप जब चाहे तब उसको जगा सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बट यही है कि आप कंटिन्यू किसी भी चीज़ को करेंगे तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आज तक कुछ भी किसी ने किया है तो वो इंसान ही रहा। तो गाइस, आजकल हम सभी इंटरनेट की दुनिया में हैं और इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमें आपको भी नहीं पता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जैसे आर्टिस्टों को पता होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे फ्रीलांस साइट्स हैं जिस पे आप घर बैठे बहुत सारा काम कर सकते हैं, चाहे वो आप कंटेंट राइटर हों, चाहे आप आर्ट डायरेक्टर हों, चाहे आप लोगो डिज़ाइनर हों, चाहे आप UI वेब डिज़ाइनर हों, कुछ भी, सारे में स्कोप है और सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको सही टाइम पे वहाँ पहुँचने की देरी है। मैं अगर आपको चाहिए इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं एक इस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा। सो गाइस, यही कहना था आपसे कि आप अभी के टाइम को अच्छे से यूज़ करो और कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। लाइफ टाइम सीखना लगा रहेगा और सीखने की कोई एज नहीं होती है। मेरे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि मुझसे बड़े हैं, बट उनको सीखना है तो मैं उनको सिखा रहा हूँ और वो सीख भी रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ऐसे ही आप काम करते रहिए और कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहिए। और मैं अभी आर्ट लेसन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी जल्द ही वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं और हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, यूट्यूब पर कैसे काम करते हैं, कैसे क्या उस पर टेक्निकल सारी चीज़ें, तो मैं पिछले 5-6 सालों से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, बस मेरा खुद का चैनल नहीं, मैं बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो 2017-2016 से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे अभी लगा कि खुद का भी स्टार्ट करना चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप चाहें मुझसे जुड़ जाएँ, मेरी चीज़ें देखें, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरे चैनल को विजिट करें, मेरे सारे वीडियोज़ को देखें, किस तरह से मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो ये सारे आपको भी हेल्प मिलेंगे धीरे धीरे स्टार्ट करने के लिए। बहुत कुछ है सिखाने को, मैं धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि किसी न किसी सोल्यूशन तक हम ज़रूर पहुँचें। तो ऐसे ही कंटिन्यू कनेक्टेड रहें मुझसे और मोटिवेटेड रहें, और अभी कोई भी लो फील करने वाली चीज़ नहीं है, जैसे समय आया है वैसे समय चला जाएगा, बस आप कंटिन्यू मेहनत करें तो सब कुछ हो जाएगा। तो वीडियो में आज बस इतना ही। मैं सोचा आज खुले में वीडियो बनाते हैं, उसका वेदर इस टाइम का बहुत अच्छा है, तो आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे कितना ग्रीनरी है, और मैं अक्सर यहाँ पर ही आकर कुछ स्केचेस बनाता हूँ या फिर कुछ थॉट प्रोसेस मेरे होते हैं, तो मैं मुझे ग्रीनरी पसंद है और लॉकडाउन में बाहर जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से मैं काम चलाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पॉजिटिविटी फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आज के बाद जो वीडियो लाने वाला हूँ वो काफ़ी दिलचस्प और लर्निंग होगा आपके लिए। तो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, अगर और क्या आपको प्रॉब्लम आते हैं ड्राइंग में, पेंटिंग में, फिर आर्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ में। मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।